हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार धाकड़ स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, वैसे तो हमने अपन मोस्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पर मैं आज आपको कुछ रिवीजन क्लासेस और कुछ नए पार्ट्स डालूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक। तो डेफिनेशंस क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की? तो दोस्तों, जैसा कि आप अपन पहले डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव फिगर आर नॉन एज डेटा। अगर किसी चीज़ का अपन क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे 1 केजी, 2 केजी, 10 केजी, तो वो एक डेटा हो जाता है हमारे पास, क्वांटिटेटिव फिगर। तो वो क्वांटिटी क्या हो जाता है, अगर हमने किसी प्लांट की हाइट नाप ली कि ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, 5 की, तो हमारे पास एक डाटा हो गया। क्वांटिटेटिव फिगर आर नॉन एज डेटा। अगर आपसे कोई डेटा की डेफिनेशन पूछता है, तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो दोस्तों, जैसा कि अपन पहले क्या याद किए थे कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें तीन मेन पॉइंट हैं, वैसे अगर तीन पॉइंट आपसे लिखते हैं, तीन: कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन और क्या, कंप्यूटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, इस टुगेदर इज कॉल्ड एज स्टेटिस्टिक्स। मीन्स हमको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है एक व्यवस्थित रूप में, उसके बाद फिर उसका अपन को एक टेब कंप्यूटेशन में टेबल फॉर्म लाना है और उसका एनालिसिस करना है। ये सभी के एक साथ क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल: नंबर ऑफ फार्मर्स इन ब्लॉक्स, द रेनफॉल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स डेटा क्या हो सकता है कि भाई कितने फार्मर्स हैं, हमने उनका क्या क्या डाटा लिया है, कितना यील्ड निकलता है, कौन कौन सी खेती करते हैं, किस किस पे उनकी आजीविका निर्भर है। तो ये सारे क्या हो गए कि ये डेटा हो गए, एरिया अंडर पेडिक्रोबिक स्टेट, प्लांट हाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा आपको हमने पहले बताया था, स्टेटिस्टिक्स के फंक्शन क्या हैं। तो स्टेटिस्टिक्स सिंपली बाय द कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, अगर हम 10 पेड़ों को देखें, ये कितना हाइट है, ये कितना हाइट है, इसका कितना है, तो हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको मेजर कर लेते हैं और उसको एक एनालिसिस कर लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो हम 10 प्लांट की हाइट एक साथ बता सकते हैं कि इन सब की एक एवरेज हाइट इतनी है। या फिर हम किसी एक की हाइट डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी है। तो सबसे पहले तो स्टेटिस्टिक क्या करती है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं उनको सिंपल कर देता है। प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डिफाइनाइट फॉर्म। और ये क्या करता है कि एक करेक्ट एडजेक्ट हमको अनुमान देता है, करेक्ट डेटा देता है, करेक्ट आइडिया देता है। डिफाइनाइट फॉर्म होती है उसकी। हम ऐसे नहीं है कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज। अब देखो, स्टेटिस्टिक्स पॉलिसी कैसे फॉर्मेशन करती है। आप जैसे मैं आप हम आपको बताते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट्स लाते हैं, हम पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। तो जो डेटा होता है, हम मान लो चलो आज किसान की स्थिति पर हमने कोई डेटा कलेक्शन किया, तो हम उस डेटा के आधार पर हम बता सकते हैं कि यहाँ गरीबी ज़्यादा है, उस डिस्ट्रिक्ट में गरीबी कम है। तो हम एक पॉलिसी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई यहाँ डाटा, यहाँ किसान बहुत गरीब है, यहाँ पर आप कुछ अच्छी सुविधाएं उनको दें। फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। अब देखो, इससे क्या होता है, अगर हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि आपने कुछ लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट डाला है पोलियास में तो लिया है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, तो क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं ट्रीटमेंट्स में कि भाई ये ट्रीटमेंट्स का ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है। तो स्टेटिस्टिक क्या करता है, कंपेरिजन करने हमारी हेल्प देता है। ये इसके मुख्य फंक्शन हैं। आप इनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, चारों के चारों फंक्शंस को। अगर एग्जाम पूछ जाता है तो इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक का यूज जैसे फंक्शन जो थे वो एक तरह का यूज ही है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक अलग उसमें बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स हैज परवेडेड ऑलमोस्ट ऑल स्पीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना कि इंसान कि जो लाइफ स्टाइल है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, वो बिना स्टेटिस्टिक के आगे नहीं चल सकती है। उसको हर जगह कंपेरिजन करनी पड़ती है, हर जगह माप तोल करना पड़ती है। मीन्स वो बिना स्टेट्स, बिना जोड़ गुणा भाग, बिना एवरेज, बिना उसके एनालिसिस के आगे नहीं बढ़ सकता है। स्टेटिस्टिक्स इज यूजफुल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। मैंने आपको इकोनॉमिक, जब मैंने आपको स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पढ़ाया था स्टेटिस्टिक का, तब आपको बताया था कि बिजनेस में कैसे सहायक है, इकोनॉमिक्स में, रिसर्च फील्ड में, ये सारे फील्ड हैं, ये स्कोप हैं इसके। इंडस्ट्रीज में स्कोप क्या है स्टेटिस्टिक का, बिजनेस में क्या स्कोप है, इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप है, रिसर्च में क्या स्कोप है, बैंक में क्या स्कोप है। तो देखो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स यहाँ मिल गए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या स्कोप है, तो आप स्कोप में सर लिख सकते हैं किन किन फील्ड में इसका स्कोप है। लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक, देखो दोस्तों सबसे बड़ा लिमिटेशन एक स्टेटिस्टिक का है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए, वेरिएबल डाटा होना चाहिए, भिन्न भिन्न तरह के डाटा होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ही प्लांट है और उसकी हाइट 10 10 मीटर है, तो हम वहाँ स्टेटिस्टिक नहीं लगा सकते। जब उसकी हाइट फिक्स ही है, उसमें वेरिएशन ही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे। या 10 प्लांट है, 10 की 10 हाइट सेम है, तो वहाँ कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स डील्स विद ओनली एग्रीगेट और ग्रुप एंड नॉट विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। देखो भाई बोल रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स कहाँ काम करता है, जहाँ डाटा ग्रुप में होता है, बहुत सारा होता है। अगर एक डाटा है 2 सेंटीमीटर, तो उस पर क्या स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे। और देखो स्टेटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, कई सारे लोग जो होते हैं पॉलिसी मेकर, इसका मिसयूज भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, ट्रीटमेंट की डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की बात हो रही है। देखो दोस्तों जो हमारे रेप्लिकेशंस के अंदर एक छोटा सा प्लॉट होता है, उस प्लॉट में जो हम अप्लाई करते हैं, जैसे 2 ग्राम यूरिया 3 ग्राम, वो ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट क्या डिपेंड है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपेरिजन इन अ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट आर डिफाइन डिफाइन एज ट्रीटमेंट। तो दोस्तों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका जो कंपेरिजन करके एक्सपेरिमेंट में जो हमारे डोजेस होते हैं, वही ट्रीटमेंट है। एग्जाम्पल्स आर वैरायटी ट्राइड इन अ ट्रायल एंड डिफरेंट केमिकल्स। देखो आपने यूरिया का लिया है, किसी ने बर्मी कंपोस्ट का कंप लिया है, किसी ने पोल्ट्री मैनर्स का लिया है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, कहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंपेयर कर लेके हम ट्रीटमेंट्स जो डालते हैं, वो जो अप्लाई करते हैं फील्ड में, वो ट्रीटमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट द ऑब्जेक्ट टू विच ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड, द ऑब्जेक्ट टू विच ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड और बेसिक ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ट्रीटमेंट्स को जहाँ अप्लाइड करते हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है। जैसे कि हमारा जो सारे रेप्लिकेशंस हैं, जिन रेप्लिकेशंस में सब हम सब कुछ डिवाइड करके जब हम जो कोई ऑब्जेक्ट्स और ट्रीटमेंट्स बनाते हैं, जो ट्रीटमेंट्स को जहाँ अप्लाई करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ध्यान दो बच्चों, द ऑब्जेक्टिव टू विच ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है, तो आप प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। हम आपको 100% इसका सही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि इस तरह का वेरी
वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्वालिटी मटेरियल लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज अ नल हाइपोथेसिस। तो दोस्तों नल हाइपोथेसिस वो होती है, नल हाइपोथेसिस ये बोलती है दोस्तों, समझ लो दिमाग में डाल लो, भूलना नहीं है। और नल हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जहाँ दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होता है। क्या क्या होता है इसमें, दो वेरिएबल्स में सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होता है। अगर हमारा आपको एक बार नहीं समझ आता तो प्लीज वीडियो को दोबारा दो बार तीन बार देख लो, इसमें आप ही का फायदा है। और नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट से देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन द हाइपोथेसिस। बोल रहा है कि जहाँ दो वेरिएबल्स हैं उनमें किसी भी तरह का स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर डिफरेंस आ गया तो नल हाइपोथेसिस नहीं होगी। नल हाइपोथेसिस का मीनिंग है कि जहाँ डिफरेंस नहीं है, प्लीज कीप इन माइंड डिफरेंस नहीं है मीन्स नल हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल है। और नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस दैट से नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है, देयर इज नो स्टैटिकल सिग्निफिकेंस मीन हमें स्टैटिकल का जो फायदे का जो एक सिग्निफिकेंस का उसमें टर्म होता है अपन जब थीसिस लिखते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इस कॉल्ड एज ए नल हाइपोथेसिस। इसको एच जीरो से डिनोट करते हैं। कैसे दोस्तों, एच जीरो से डिनोट करते हैं। आप समझो एक नल हाइपोथेसिस वो होती है जहाँ पर दो वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इन द एग्जाम्पल मान लो कि दो प्लांट की हाइट अपन को मापने को बोली। एक हाइपोथेसिस हम नजम की कि हम दो इसमें प्लांट्स हैं, मान लो दो में 100 प्लांट्स हैं और 100 प्लांट्स की जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है। जहाँ डिफरेंस नहीं है दोनों ब्लॉक्स के 50-50 प्लांटों में, तो वहाँ हम नल हाइपोथेसिस नहीं होगी, सॉरी वहाँ होगी मीन्स उसकी डेफिनेशन है हो जाएगी वो, कि जहाँ डिफरेंस ही नहीं है उसको नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल एरर। एरर क्या होती है दोस्तों, एरर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ क्या बात हो रही है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल एक्सपेरिमेंटल यूनिट रिसीविंग द सेम ट्रीटमेंट मे नॉट बी सेम इवन अंडर सिमिलर कंडीशन। देखो दोस्तों एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है, जो प्लॉट ठीक है जहाँ पर हमने ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, समझ गए ना आप। अब वो बोल रहा है कि रिस्पॉन्स, जैसे हमने तीन एप्लीकेशन में T1 तो 3 बार आएगा ना, तो वो वही बोल रहा है कि जो तीनों T1 आया है वो तीनों एप्लीकेशन में सेम नहीं आता है, सेम इवन अंडर सिमिलर कंडीशन, इवन अंडर सिमिलर कंडीशन बोल रहा है कि अगर सिमिलर कंडीशन भी है, इवन अंडर सिमिलर कंडीशन भी है तो भी वो रिस्पॉन्स सेम नहीं आता है। और ये डिफरेंस क्यों होता है, द दीज वेरिएशंस इस रिस्पॉन्स मे बी ड्यू टू द वेरियस रीजन। रीजन्स क्या होते हैं, फैक्टर लाइक हेटरोजेनिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का अलग अलग तरह का होना, क्लाइमेटिक फैक्टर, कभी टेम्परेचर ज़्यादा कम, कहीं ज़्यादा पानी लग गया, कहीं कम पानी लग गया, जेनेटिक डिफरेंस, कई सारे फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। इनके कारण क्या होता है, जो कि ट्रीटमेंट सेम है रेप्लिकेशंस में अलग अलग में, उनका सेम रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसीलिए हम उनका एवरेज लेते हैं। आप याद रखिए हम उनका एवरेज लेते हैं, उसको हम मानते हैं बेस्ट। तो जो एरर, जो डिफरेंस आता है सेम ट्रीटमेंट में उसको बोलते हैं एरर, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। दिस ऑलवेज कॉजेस वेरिएशन नोन एज एक्सट्रेनियस फैक्टर इज द वेरिएशन इज रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय द एक्सट्रेनियस फैक्टर आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल एरर।
दोस्तों, अब आपको एरर समझ में आ गई होगी। हमारा वो कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जो प्लॉट्स हैं, जिन प्लॉट्स में आपने जैसे चार एप्लीकेशन है, तो चार बार जो T5 है या T3 है, चार बार आएगा, क्योंकि तो वो हर एक एप्लीकेशन में आएगा। तो वहाँ पर हमारा डोज तो सेम रहेगा ना T4 का। तो T4 का हमारा अगर डोज सेम है, जो T4 का डोज सेम है, तो वो अपन को समझ में, मतलब अगर हम उसका डाटा लेंगे तो सेम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपेरिमेंटल एरर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिए। एक्सपेरिमेंटल एरर दो तरह के होते हैं, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। देखो दोस्तों, टाइप वन एरर किसको बोलते हैं कि टाइप वन एरर वो है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो टाइप वन एरर कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी, जब नल हाइपोथेसिस सही है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। आप समझना, नल हाइपोथेसिस सही है मतलब डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस ही नहीं है तो हम डाटा में लिखेंगे क्या? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो नल हाइपोथेसिस को, इसीलिए हमको जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है, दैट इज टाइप वन एरर। आप समझ रहे हैं, जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को, टाइप वन एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, इसको रिजेक्ट करना पड़ता है, इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मीन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, टाइप वन एरर है, बट ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो ये कभी कभी टाइप वन एरर और टाइप टू एरर पूछ लेते हैं। टाइप टू एरर में जस्ट उल्टा होता है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मीन्स डिफरेंस है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये टाइप वन और टाइप टू एरर हो गई। दोस्तों अब हम आपको व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टाइप वन और टाइप टू एरर, तो टाइप वन एंड टाइप टू एरर में हम आपको डिफरेंस बताते हैं। दोस्तों टाइप वन एरर में क्या होता है, अ टाइप वन एरर इज व्हेन द स्टैटिस्टिक कॉल फॉर द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हिच इज फैक्चुअली ट्रू। देखो हमने आपको भी बताया था, अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस होती है टाइप वन एरर में, जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। टाइप टू में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जो होती है ना, ट्रू नहीं होती है, इसको हम रिजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अ टाइप टू एरर इज व्हेन द स्टैटिस्टिकल डज नॉट गिव द इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, व्हेन द नल हाइपोथेसिस शुड बी फैक्चुअली बी रिजेक्टेड। तो यहाँ देखो, यहाँ उसने थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज की। यहाँ ये बात है कि यहाँ पर डिफरेंस होता है, तो हमें यहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर डिफरेंस नहीं है तो हमें ये रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो टाइप टू में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, इसीलिए हमको, मीन्स अगर यहाँ डिफरेंस नहीं है तो हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट बोलता है वी मे रिजेक्ट S0 व्हेन S0 इज ट्रू, इज नॉन एज टाइप वन एरर। वही बोला है, सेम पॉइंट फिर दोहरा दिया है। वो बोला है वी मे रिजेक्ट S0, S0 मीन्स नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं कब? जब वह है सत्य हो। लेकिन टाइप टू में हम उसको, जब वो सत्य है तब हम उसको क्या कर लेते हैं, सो टाइप वन में हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन टाइप टू में सत्य होती नहीं है। टाइप टू में जो टाइप टू बने रहने में वी मे एक्सेप्ट S0 व्हेन द इनफैक्ट S0 इज नॉट ट्रू, इज नॉन एज टाइप टू एरर। मीन S0 ट्रू नहीं होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आ टाइप वन एरर इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। अभी बताया फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं इसको, इसको फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस एंड टाइप वन एरर होती है। इस बेसिक डिफरेंस था। दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल्स हमने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, फिर भी हम इनको एक बार रिपीट कर देते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के? रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। देखो दोस्तों, रिपीटेशन, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉन एज एप्लीकेशन
रेप्लिकेशन। देखो थोड़ा स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, अगर इसको हम सही और सिंपल भाषा में समझें, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। आप देखो हम एक रेप्लिकेशन एक रूम में एक ट्रीटमेंट को बार बार नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उसको रिपीट करें दूसरे रूम में तो वो दैट इज अ रेप्लिकेशन। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का रिपीटेड एप्लीकेशन है। किसका? ट्रीटमेंट का रिपीटेड एप्लीकेशन है इसको, ट्रीटमेंट का रिपीटेड एप्लीकेशन को एप्लीकेशन को रेप्लीकेशन बोलते हैं। सॉरी अगर कोई वर्ड इधर उधर हुआ, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट का जितनी बार एप्लीकेशन करेंगे एप्लीकेशन करेंगे रिपीटेशन करेंगे तो उतने सारे रेप्लीकेशंस हो जाएंगे। मान लो ट्रीटमेंट को हमने 4 बार रिपीट किया तो 4 एप्लीकेशंस हो गए। व्हेन द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड ओनली वंस वी हैव नो मीन्स ऑफ नोइंग अबाउट द वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स। देखो दोस्तों अगर उसका कह रहा है कि अगर हमारे हमने ट्रीटमेंट एक ही बार अप्लाई किया है तो हमारे पास उसमें वेरिएशन देखने के लिए कुछ नहीं आएगा, कुछ डेटा नहीं आएगा। हम कैसे वेरिएशन देखेंगे कि भाई उस ट्रीटमेंट में उस जगह में क्या आया उस जगह में क्या आया, तो हम उसका एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ओनली वेन आ रिपीट सेवरल टाइम वी कैन एस्टिमेटेड द एक्सपेरिमेंटल एरर। और अगर हम जितनी बार उसको रिपीट करेंगे, मीन्स अगर 3 रेप्लिकेशन 4 रेप्लिकेशन 5 रेप्लिकेशन, जितना रेप्लिकेशन ज़्यादा होंगे एक्सपेरिमेंटल एरर कम होगी, क्योंकि होमोजेनिटी बढ़ेगी, क्योंकि लोकल कंट्रोल बढ़ेगा, यही के पॉइंट है मैन। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर वी कैन डिटरमाइन वेदर द ऑब्टेन डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट्स मीन्स आर रियल और नॉट। हम ये जान लेंगे कि जो ट्रीटमेंट के बीच में डिफरेंस है वो सही है या गलत है। देखो अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम उसका एनालिसिस करेंगे, जब डिफरेंस ही नहीं आ रहा है तो हम उसका क्या एनालिसिस करेंगे। जब जब ट्रीटमेंट ही एक है रेप्लिकेशन ही एक है तो हम उसको रेप्लिकेशन क्या करेंगे, वो बोल देंगे। तो हमको मीन्स एरर कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट का रिपीटेशन करना पड़ता है, और जो रिपीटेशन करते हैं उसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट मीन्स आर रियल और नॉट, हम डिफरेंस को जज करते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस इंक्रीज एक्सपेरिमेंटल एरर इज रिड्यूस। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस इंक्रीज एक्सपेरिमेंटल एरर इज रिड्यूस। तो दोस्तों ये आपको रेप्लिकेशन समझ आएगा। अब रेंडमाइजेशन, अब रेंडमाइजेशन क्या होता है दोस्तों, रैंडम एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये होता है रैंडमाइजेशन। आप उनके पास 4 ट्रीटमेंट हैं, आप चारों के बराबर रूम में T1 नहीं लिख सकते हैं, हम उसको रैंडम करना पड़ेगा। अगर हमने एक रूम में पहले ब्लॉक में T1 अप्लाई कर दिया तो उसको नेक्स्ट ब्लॉक में हमको दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, मान लो ये R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है, R4 है। हमारे पास 4 रेप्लिकेशन है। अब दोस्तों देखो ये क्या है, ये बहुत बड़ा फील्ड हो गया, मान लो है बहुत बड़ा फील्ड हो गया। तो दोस्तों ये मान लो कि इस तरह के ऐसे 8-10 रो है नीचे, अब 8 जितना ट्रीटमेंट होंगे उतने नीचे रो जो रहेंगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहला ट्रीटमेंट लिया, यहाँ दूसरा लिया, तीसरा लिया, एक हम 10 तक ले लिया, 10 ट्रीटमेंट है। तो अब रेंडमाइजेशन का मीनिंग होगा कि जिस ट्रीटमेंट एक जो है यहाँ, जहाँ जो एक है यहाँ आप एक नहीं लिख सकते हैं, यहाँ आपको या तो 3 लिखना पड़ेगा या 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आपने 3 लिख दिया तो आप यहाँ पर ना एक लिख सकते हैं ना 3 लिख सकते हैं, आपको या तो 4 लिखना पड़ेगा या 5 लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया तो आपने इसको यहाँ
छः और सात में से कोई एक लिखना पड़ेगा। तो ये हो गए। अब यहाँ आप भले दो लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, यहाँ आप चार लिख सकते हो, यहाँ आप पांच से छः लिख सकते हो, लेकिन सेम रो में रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम रो में रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम रेंडमाइजेशन। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं एक आपको बना के बता ही देता हूँ कि रिपीटेशन कैसे करते हैं। तो ये दो, यह हम तीन और चार, एड्स ऑन 10 तक जाएंगे। अब यहाँ पर तीन हो गया तो हम यहाँ चार कर दें, और यहाँ हम एक कर दें, यहाँ हम दो कर दें। तो देखो एक दूसरे के सामने सेम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पांच है तो यहाँ दो और चार नहीं कर सकते हम, पांच है तो हम यहाँ एक कर देते हैं। अगर यहाँ अब तीन और एक है तो यहाँ हम दो कर देते हैं। अब यहाँ कितना बचा है, इसमें से एक तीन बचा है और चार बचा है, तो यहाँ एक पाँच और चार कर दिया, चार आसान है नहीं करेंगे, तीन कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमको इनको रेप्लीकेट करना है, सेम नहीं आना चाहिए, इसको बोलते हैं रेंडमाइजेशन। अब इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंट एरर होती है वो कम से कम हो जाती है। व्हेन ऑल द ट्रीटमेंट्स हैव इक्वल चांस टू बीइंग अलॉटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज नोन एज रेंडमाइजेशन। भैया वो बोला है जब ऑल द ट्रीटमेंट हैव इक्वल चांस, सभी ट्रीटमेंट को एक इक्वल चांस है, और बीइंग अलॉटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट, वो डिफरेंट सेम की बात नहीं कर रहा है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, प्लॉट को बोलते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट अगर बात हो रही है तो क्या बोलेंगे उसको दोस्तों, हम उसको क्या बोलेंगे देखो। व्हेन ऑल द ट्रीटमेंट्स हैव इक्वल चांस टू बीइंग अलॉटेड टू अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट, कैसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है दोस्तों, डिफरेंट मीन्स हमको आस पास में सेम ट्रीटमेंट्स नहीं देखना है, इसको बोलते हैं रेंडमाइज नहीं। इफ आवर कंक्लूजन्स आर टू बी वैलिड, ट्रीटमेंट्स मीन्स एंड डिफरेंसेस अमंग ट्रीटमेंट्स मीन्स शुड बी एस्टिमेटेड विदाउट एनी वाइज, मीन्स किसी भी वाइज के हम उनका डिफरेंस माप सकते हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है रेंडमाइज करने का, कि हमको एरर कम से कम करना है। कभी अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई क्या उद्देश्य है ये रेप्लीकेट करने का, रेंडमाइजेशन करने का, लोकल कंट्रोलिंग क्या, तो सीधा ये है ना, हमें एक्सपेरिमेंट एरर कम करनी है, सीधी बात, एक सिंपल आंसर होना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपका कहीं भी हमारा कोई शब्द आपको छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ घर में रहिए, प्लीज़ अपने घर में रहिए, बाहर नहीं जाइए। गवर्नमेंट के लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, गवर्नमेंट को सहयोग करिए, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिताओं को अच्छी देखभाल करिए, घर में कुछ क्रिएटिव माइंड लगाइए, क्योंकि दोस्तों ये समय सारी दुनिया एक संकट से गुजर रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ घर में रहें, और दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ बहुत शेयर करें। तो हमारा एक सार्थक जो प्रयास है इसके, हमारे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र, एग्रीकल्चर के छात्रों तक ये पहुँच जाए तो उनको भी बहुत फायदा हो। चलो हमारे एक नेक्स्ट एंड थर्ड वन प्रिंसिपल है लोकल कंट्रोल। तो दोस्तों लोकल कंट्रोल क्या होता है, आप मान लो कि आपको एक गांव दे दिया जाए कंट्रोल करने के लिए, और आपको फिर एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए और एक स्टेट दे दिया जाए, तो आप किसको लोकल बोलते हैं, लोकल किसको बोलते हैं, अपन अपने गांव को, भाई हम लोकल के हैं। तो लोकल कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर को हेड करते हैं, गांव की लेवल पर सरपंच को मुखिया करते हैं। तो एक हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है,
जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसीलिए करते हैं कि होमोजीनियस कंडीशंस आ जाए। हमारा एक जो एप्लीकेशन करना है हमको, ट्रीटमेंट का एक डोज का एप्लीकेशन करना है, वो होमोजेनस हो जाए, मिट्टी होमोजेनस रहे, उसका जो भी एक्सटर्नल जो बाहर के वातावरण के इफेक्ट हैं वो भी एक होमोजेनस रहे, मतलब कोई बहुत बड़ा वेरिएशन ना रहे, तो हम उसको बोलेंगे। तो हमें क्या है ना, उस जगह को कंट्रोल करने में जी होगी, वहाँ के डाटा को, वहाँ का सब कुछ, वहाँ के एक्सप्लेनर, उसको बोलते हैं लोकल कंट्रोल। अब देखो दोस्तों, पढ़ता हूँ आपके लिए। एक्सपेरिमेंट एरर इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो दोस्तों वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दिस सजेस्टेड एक्सपेरिमेंट यूनिट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट यूनिट से दूसरे एक्सपेरिमेंट यूनिट में जो वेरिएशंस होते हैं उसके बेस्ड में हम लोकल कंट्रोल का समझाएंगे। दिस सजेस्टेड दैट द इफ वी ग्रुप द होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन टू ब्लॉक्स द एक्सपेरिमेंटल एरर विल बी रिड्यूस। दोस्तों देखो, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लीकेट कर देंगे उसको, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक्स बन जाएंगे, तो कम से कम एरर आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्यूरेट डाटा आएगा, उसी को बोलते हैं लोकल कंट्रोल। द एक्सपेरिमेंट विल बी रिड्यूस कंसीडरेबली। ग्रुपिंग ऑफ होमोजेनस एक्सपेरिमेंट यूनिट इनटू ब्लॉक्स इज नॉन एज लोकल कंट्रोल। आप इसको देखिए दोस्तों, नॉन एज लोकल कंट्रोल। वो क्या बोल रहा है, ग्रुपिंग ऑफ होमोजेनस एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ग्रुपिंग ऑफ होमोजेनस एक्सपेरिमेंटल यूनिट इनटू ब्लॉक्स इज नॉन एज एक्स नॉन एज लोकल कंट्रोल, ग्रुपिंग ऑफ होमोजेनस एक्सपेरिमेंटल यूनिट। दोस्तों अगर आपको इतना अच्छे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं सेम वीडियो आपको फिर से इसको समझा दूंगा, दूसरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको प्लीज कम से कम इसको नहीं समझ आया तो इसको बार बार सुने। तो ग्रुपिंग मीन्स जो है कि हमने लोकल कंट्रोल कैसे बनाएंगे फील्ड में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें रेप्लीकेशन जितने ज़्यादा हम बनाएंगे, रेप्लीकेशन ट्रीटमेंट्स बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे यूनिट्स बढ़ जाएंगे। मान लो हमने एक रेप्लीकेशन किया तो उसमें तो एक ही ट्रीटमेंट रहेगा, दो के दो हो जाएंगे, तीन चार पाँच में और ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या होगा कि बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे, एक मतलब एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो जाएंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो उन ब्लॉक्स में क्या है कि वेरिएशंस कम से कम आएंगे। अगर मान लो एक ब्लॉक में थोड़ा वेरिएशन आता है, दूसरे में थोड़ा आएगा, तो जो एवरेज निकालेंगे सारे वेरिएशंस कम से कम आएंगे, उसी को हम लोकल कंट्रोल बोलते हैं। इन ऑर्डर टू हैव वैलिड एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडर एरर द प्रिंसिपल्स ऑफ रेप्लिकेशन रैंडमाइजेशन आर यूज्ड। देखो भैया, अगर हमको एरर कम करना है तो रेप्लिकेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, रैंडमाइजेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा। ये दोनों हैं तो लोकल कंट्रोल अपने आप हो जाता है, वही है, इन दोनों को ही लोकल कंट्रोल में मिलते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंट एरर द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल आर यूज। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंट एरर द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल आर यूज। इन ऑर्डर टू हैव वैलिड एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर द प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन आर यूज। देखो दोस्तों, अगर आपको एरर कम करना है तो रेप्लिकेशन रैंडमाइजेशन करना है, ज़्यादा 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 रेप्लिकेशन करोगे तो लोकल कंट्रोल इजी होगा, एरर कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है आपको, ये पहला पार्ट है, इसके नेक्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। और ये ब्राउज का वीडियो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस का, तो दोस्तों देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं इसका सेकंड वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।